2013 में मैंने BHU से लॉ स्कूल ज्वाइन किया LLB के लिए, और 2016 में मैं यहाँ से LLB पास हुआ। और आप भी जैसे BHU के स्टूडेंट हैं, आप जानते ही हैं BHU के बारे में। तो लॉ स्कूल जो है यहाँ का पूरे इंडिया में एक प्रेस्टिजियस लॉ स्कूल है, इसके थर्ड रैंक है पूरे ओवरऑल इंडिया में। जी, इसके जो प्रोफेसर होते हैं भैया, वो कौन अपॉइंट करता है? सुना है इसका प्रोफेशनल काउंसिल और बार अपॉइंट करता है, BHU का इसमें कोई रोल नहीं होता? नहीं नहीं, जैसा कि हमें पता है कि यहाँ के प्रोफेसर को अपॉइंट करने के लिए UGC से एक नॉर्म बना हुआ है, जिसमें BHU के VC चार विजिटर रहेंगे जो UGC अपॉइंट करेगा, और दो लॉ फैकल्टी के प्रोफेसर होंगे, सीनियर मोस्ट जो होंगे, इंक्लूडिंग डीन। ये सब लोग मिल के यहाँ के प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट करते हैं। राहुल भैया ने अभी जुडिशरी का पेपर दिया, भैया आपका कौन सा रैंक था? मेरा OBC में ओवरऑल बिहार में सेकंड रैंक था। बिहार में सेकंड रैंक, मतलब इस पूरे एग्ज़ाम का क्या नाम था जिसमें आप? इसका नाम है बिहार जुडिशियल सर्विस, 30th बैच का भी एग्ज़ाम था। किस लेवल का एग्जाम, मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम था 2013 में LLB का? हाँ, अगर हम कंपेयर करें 2020 से तो 2013 में जो LLB में था उतना क्रेज नहीं था LLB का उस टाइम। LLB को एक कैरियर ऑप्शन के तौर पे नहीं देखा जाता था, लोग सोचते थे कि कुछ नहीं किया तो लॉ कर लेते हैं, तो ज़्यादातर भीड़ ऐसे लोगों की आती थी जो कि चाहे तो हॉस्टल के लिए आ रहे हैं, या फिर कुछ नहीं हुआ तो राजनीति कर लेंगे, लॉ में एक अच्छा देखेंगे, अब जितने अच्छे नेता हैं वो लॉ से हैं। तो ये ज़्यादा ट्रेंड था। बट जैसे ही हम एडमिशन लिए तो 2014-15 से ये ट्रेंड चेंज हुआ है, और लॉ जो है एक उभरता हुआ फील्ड है। अभी पढ़ने वाले लोग आने लगे, अच्छे लोग जो कि लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं वो आने शुरू हो गए। लोग बोलते हैं कि BHU का जो लॉ फैकल्टी है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव करता है जी। और चीज़ें उसमें से बहुत ज़्यादा छट करके बाहर आती हैं जी। जी, आपको फैकल्टीज कैसे लगे, वहाँ के डिपार्टमेंट्स कैसे लगे? देखिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो लॉ स्कूल जो है BHU के अन्य डिपार्टमेंट से थोड़ा सा कम था। जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो थोड़ा सा नहीं था अच्छा, बट अभी के समय में बहुत अच्छा है इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे भी। अगर टीचरों की बात करेंगे तो BHU में ऐसे टीचर लॉ फैकल्टी में पाए जाते हैं कि अगर बच्चा आए चाहे ना आए, अगर उनकी टाइमिंग 9 बजे है तो वो 9 बजे क्लास में है, अगर एक भी स्टूडेंट है तो वो उसको पढ़ाएंगे। अगर किसी दिन किसी कारणवश वो बीमार हो गए तो एक्स्ट्रा टाइम लेके पढ़ाएंगे। तो ये डेडिकेशन है वहाँ के टीचरों का। वहाँ के टीचरों की आप बात कर रहे हैं तो हमने शायद मुरली सर आपके समय में थे जी, क्या? जी, प्रोफेसर आर के मुरली सर जी, वो लॉ फैकल्टी का गॉड बोला जाता गॉड है। मैंने सुना है उनके रिसर्च जो होते हैं कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में जी पब्लिश होते हैं। यहाँ का जो नेशनल जुडिशियल एकेडमी है वहाँ के वो गेस्ट फैकल्टी हैं, उनको स्पेशल तौर पे बुलाया जाता है वहाँ जजों को ट्रेनिंग देने के लिए। तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि उनका क्या वैल्यू। काफ़ी अच्छी फैकल्टीज वहाँ पे, बहुत अच्छी वेल क्वालिफाइड फैकल्टी, क्लासेस एकदम रेगुलर। क्लासेस की बात करेंगे तो 9 बजे से लेकर 4 बजे तक, बीच में 1 घंटे की गैप, इतनी क्लासेस रोज़ चलती हैं, डेली चलती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जितने भी अनुच्छेद हैं और आर्टिकल्स हैं सारी चीज़ें रटवा दी जाती है। ऑलमोस्ट जब मैं आया तो हमारे डिपार्टमेंट का नाम है BHU लॉ स्कूल। तो जो मैं स्कूल में था कि सुबह गया और शाम में घर वापस आया, तो सेम फीलिंग हमें यहाँ BHU लॉ स्कूल में आया। एक बार 9 बजे आ गया तो सीधे 5 बजे हॉस्टल पहुँचते थे हम लोग भगवान दास। तो ये वाला था कि वो स्कूल जो है फिर से रिवाइव हुआ यहाँ पे, मैंने फील किया यहाँ पे। मतलब सारी चीज़ें डिसिप्लिन में चलती हैं, डिसिप्लिन में बहुत डिसिप्लिन है, सब कुछ है। और ये भी नहीं है डिसिप्लिन ऐसा हो कि आप उससे फ्रस्ट्रेट हो या सफोकेट हो, आपको पर्याप्त समय मिलेगा अपना लाइफ जीने के लिए। क्योंकि BHU जैसा लॉ फैकल्टी जैसा समृद्ध जो है, लाइब्रेरी हो या फिर वहाँ के और भी अन्य सुविधाएं हो, अन्य डिपार्टमेंट आप देखेंगे कि एकेडमिक, कि जो बच्चा एकेडमिक में UG किया, PG किया, रिसर्च किया और प्रोफेसर बना, आपको ये वाला सीन BHU में खूब मिलेगा। आप किसी भी अन्य विश्वविद्यालय में जाएं, 10 में से 8 जो प्रोफेसर होंगे आपको वहाँ, आपको BHU के पढ़े स्टूडेंट मिल जाएंगे।